दोस्तों एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इसको यूज करते हैं आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इंक्लूडिंग पेरोल। तो अगर आप कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स पेरोल बनाना चाहते हैं वो भी एक्सेल को यूज करते हुए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगले 10 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक्सेल को यूज करते हुए एक पेरोल बड़े आसानी से बना सकते हैं, वो भी 5 से 10 मिनट में। दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट। हम पिछले 42 साल से इस फील्ड में हैं और हम 500 से ज्यादा कंपनीज को लेबर लॉज और पेरोल प्रोसेसिंग में कंसल्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे आप एक्सेल को यूज करते हुए एक बेसिक पेरोल मिनटों में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सबसे बेसिक आप पेरोल बना दीजिए, इसमें आप फील्ड्स देख लीजिए। पहले मैं आपको फील्ड्स दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की। आप एकदम बेसिक अगर आपको पेरोल बनाना है कुछ इस तरह की आपको फील्ड्स नजर आएगी। आप यहाँ पर कंपनी का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं और कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कंसल्ट कर रहे हैं तो आप अपना अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी की वेबसाइट एक्सेट्रा यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मंथ मेंशन कर सकते हैं। पहले कॉलम से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेंशन करना है सीरियल नंबर, या फिर आप इसको कोड नंबर लिखें तो कोड नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एम्प्लॉय का कोड आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉयज़ का नेम और उसके फादर नेम आप मेंशन कर दीजिए। दोनों मेंशन करना इसलिए जरूरी है ताकि एक ही कंपनी में अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ सेम नाम के हो तो आप उनको आराम से डिफरेंशिएट कर पाए। अब यहाँ पर आप सबसे पहले सैलरी की रेट मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए इस कंपनी में बेसिक, डी और एचआर है, ये तीन ही कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले बेसिक जिस एम्प्लॉय की वो मेंशन कर दी गई है। उसके बाद अगर आप डीए को कैलकुलेट करना चाहते हैं बेसिक के आधार पर, मान लीजिए बेसिक की आपकी कंपनी में डीए 10% है तो इसको मल्टीप्लाई करिए 10% से और ये डीए हमारी कैलकुलेट हो गई। सिमिलरली अगर आप एचआरए कैलकुलेट करना चाहते हो और आपकी कंपनी में एचआरए है बेसिक प्लस डीए का 30%, तो सबसे पहले आप बेसिक प्लस डीए को सम करिए, बेसिक प्लस डीए, और इसका आप 30% कैलकुलेट कर लीजिए मल्टीप्लाइड बाय स्टार 30%। तो ये हमारा बेसिक और डीए यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है और इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ या फिर डबल क्लिक को यूज करते हुए नीचे तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया है। तो कुल मिलाकर मेरी बेसिक डीए एचआरए कैलकुलेट हो गई और टोटल के लिए मैंने यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज किया है। मैं आपको वापस से इसको करके बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप सम फॉर्मूला यूज करते हैं कि सम ऑफ ऑल थ्री कॉम्पोनेंट्स। तो ये मेरी टोटल रेट आ गई, इसको आप अगेन आप नीचे तक ड्रैग करके सभी जगह अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर अटेंडेंस आ गई, अटेंडेंस में प्रेजेंट डेज आ गए हैं आपके पास, पेड लीव आ गई है, वीकली ऑफ आ गए हैं, कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल आ गए और टोटल पेड डेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको चीज का ध्यान रखना है कि मार्च महीने में मान लीजिए 31 डेज होते हैं तो किसी भी तरीके से पेड डेज मेरे 31 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कई बार ये मिस्टेक बेसिक्स में आप कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रेजेंट डेज, पेड लीव, वीकली ऑफ है यहाँ पर उसका सम कर दिया गया है। सम फॉर्मूले को यूज करते हुए इन चारों का सम हो गया तो ये मेरे पेड डेज यहाँ पर कैलकुलेट हो गए। एक बार मेरे पास पेड डेज आ गए हैं अटेंडेंस मशीन से या एचआर डिपार्टमेंट से, तो उसके बाद बेसिक डी एचआर कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। मैं सबसे पहले बेसिक को डेज के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो बेसिक जो बेसिक रेट है मैं उसको बेसिक के कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 18 डेज डिवाइड बाय 31, क्योंकि इस महीने में ओवरऑल 31 डेज हैं। तो ये इस एम्प्लॉय की बेसिक मेरी कैलकुलेट हो गई। सिमिलरली अगर मुझे डीए कैलकुलेट करना है तो मैं डीए को मल्टीप्लाई करूंगा टोटल डेज से जो पे डेज मुझे देने हैं डिवाइड बाय 31। और इसी तरीके से एचआरए को भी बड़ी आराम से कैलकुलेट करा जा सकता है, एचआरए मल्टीप्लाइड बाय टोटल डेज डिवाइड बाय 31। तो ये मेरी बेसिक डी एच आर ए कैलकुलेट हो गई है। बेसिक डी एच आर ए कैलकुलेशन के बाद मैं अगेन इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ ताकि बाकी जगह भी ये फॉर्मूला लग जाए। अब मैं इंसेंटिव्स हैं, अगर इस महीने कोई सेल्स वगैरह से इंसेंटिव निकले तो इंसेंटिव मैंने यहाँ पर मैन्युअली ऐड कर दी है। मैन्युअली ऐड करने के बाद अब मैं टोटल कर देता हूँ कि टोटल अर्न सैलरी किसकी है, इसलिए मैं फिर से सम फॉर्मूला का यूज करूंगा। आप लिखिए सम और उसके बाद इन चारों कॉलम्स को ऐड कर दीजिए। तो ये मेरा सम हो गया और यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन हो गई। इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इतना अर्न किया है 22,000 रुपये और नीचे इस एम्प्लॉय ने 34,000 रुपये। इसी तरीके से सभी एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन बड़ी आराम से हो गई है। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। तो डिडक्शंस के लिए आपको पता है ईएसआई अभी फिलहाल 0.75% के हिसाब से डिडक्ट होता है और ईएसआई डिडक्ट होता है बेसिक, डीए, एचआर, इंसेंटिव सभी पर। तो मैं ओवरऑल टोटल पर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल का मुझे करना है 0.75%। तो ये 0.75% के हिसाब से मेरा ईएसआई कैलकुलेट हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि ईएसआई सभी एम्प्लॉयज पर नहीं कटता है, किन किन पर कटता है जिनकी सैलरी 21,000 से कम होती है। तो 21,000 से कम की सैलरी निकालने के लिए मैं एक बार बीच के कॉलम हाइट कर देता हूं ताकि इसको आराम से हम लोग आपको समझा पाए। तो ये देखिए बेसिक सैलरी जिन जिन की टोटल सैलरी 21,000 से ज्यादा है उनका ईएसआई नहीं कटना चाहिए। अगर पहले से नहीं कट रहा है तो मान लीजिए इन एम्प्लॉय का पहले से नहीं कट रहा है तो इन तीनों को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि इनका ईएसआई नहीं कटना चाहिए और इन तीनों का भी ईएसआई नहीं कटना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट करेक्शन हो गया। तो ईएसआई की कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग पीएफ के डिडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं पहले जो मैंने कॉलम हाइट करे हैं उन्हें अनहाइट कर देता हूं
अब आपको पता है कि जो पीएफ हमारा डिडक्ट होता है वो बेसिक और डीए पर होता है, लेकिन एचआरए और इंसेंटिव्स पर हम पीएफ डिडक्ट नहीं करेंगे। तो मैं बेसिक प्लस डीए का यहां पर सम कर देता हूं। तो सबसे पहले आप लेंगे बेसिक प्लस डीए और इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 12% के साथ, क्योंकि 12% पीएफ का डिडक्शन होता है, और हिसाब से हमारा पीएफ का डिडक्शन भी कैलकुलेट हो गया। अब अगर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस ले रखा है, टीडीएस उसका डिडक्ट हो रहा है, मान लीजिए लेबर वेलफेयर फंड है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू फिल करी जा सकती है, प्रोफेशनल टैक्स भी फिल किया जा सकता है। एक बार सारे डिडक्शन कैलकुलेट करने के बाद हम टोटल डिडक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें जो मैंने सम फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला आपको फिर से यूज करना है। सम फॉर्मूले के लिए आप कॉलम आर से लेकर डब्ल्यू तक का सम कर देंगे। ये करने के बाद इसको भी आपको नीचे तक ड्रैग कर देना है ताकि सभी एम्प्लॉयज का ये कैलकुलेशन हो जाए। अब जब आपके पास टोटल अर्न सैलरी आ गई है, टोटल डिडक्शन आ गया है, तो नेट सैलरी निकालना बिल्कुल ही आसान है। नेट सैलरी के लिए आप जो टोटल अर्न सैलरी है उसके अंदर से माइनस करेंगे टोटल डिडक्शंस। इस तरह से हमारी एम्प्लॉयज को जो नेट इनहैंड सैलरी देनी है उसकी कैलकुलेशन आप तक अवेलेबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को 10 मिनट देख लेने में आप पेरोल की डिटेल नहीं जान पाएंगे। हाँ, बिल्कुल बेसिक्स आपको पता चल गई, लेकिन डिटेल में पेरोल सीखने के लिए आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और जिसमें हमको 42 साल लगे हैं पेरोल को एक्सपर्ट करने में। वो सारा ज्ञान जो हमने 42 साल में सीखा है मैंने एक कोर्स में आपके लिए समराइज किया है। अगर आप पेरोल फील्ड में हैं या पेरोल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या एज अ पेरोल कंसल्टेंट अपनी मंथली रिकरिंग इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सजेस्टेड है ए टू जेड पेरोल प्रोसेसिंग कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट डिटेल्स पेरोल के बारे में। इस कोर्स में ओवरऑल 45 लेक्चर्स में 100 प्लस मॉड्यूल्स के साथ में आपको पेरोल की कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी प्रोफेशन है, आप कॉमर्स हैं, साइंस से, आर्ट्स से हैं, आप ये आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं, बस बेसिक एप्टीट्यूड चाहिए। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा व्हाट इज पेरोल, पेरोल में अलाउंसेस किस तरह से आप देखते हैं, अलग अलग पेरोल के फॉर्मूले क्या होते हैं। उसके बाद हम एक एक एक्ट कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके एक्सेप्शन सीखेंगे, और कहां कहां गलतियां हो जाती है वो सीखेंगे, जैसे ईएसआई, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, लेबर वेलफेयर फंड, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस एक्सेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से प्रैक्टिकल पेरोल आप कंपाइल करेंगे और एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे। इसमें मैं आपको कंपनीज के एक्चुअल एग्जांपल के साथ पूरे साल की पेरोल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। आपको ढेर सारे होमवर्क भी दूंगा और एक्सेल की शीट्स कैलकुलेशन के लिए भी दूंगा। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं पेरोल फील्ड में, तो अपने जॉब में प्रमोशन के लिए आप हकदार होंगे। अगर आप अपनी कंसल्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो पेरोल की कंसल्टिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो कंप्लीट गवर्नमेंट कंप्लायंसेस का ध्यान में रखते हुए आप अपना पेरोल कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या चाहे एक्सेल पे अपना पेरोल बनाना चाहते हो, इस कोर्स को करने के बाद आप उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। इस कोर्स की एक और यूएसपी है कि इसमें अवेलेबल है एक डिस्कशन फोरम, जिसमें ऑलरेडी सैकड़ों डाउट्स लोगों ने डाले हैं और जिसको मैंने सॉल्व भी किया है। आपके भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप यहाँ पर उसे पोस्ट करिए और उसका तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा दूसरे लोगों ने जो ऑलरेडी डाउट्स पूछे हैं उनको देखते हुए आप अपनी नॉलेज को और भी डेप्थ तक लेके जा सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। और अगर आप एक्सेल को देखकर थोड़ा सा घबरा रहे हैं तो उसकी भी चिंता नहीं करिए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए इंट्रोडक्शन टू एक्सेल कोर्स ऑल्सो, जिसमें हमने 18 मॉड्यूल्स में एक्सेल के कंप्लीट बेसिक हिंदी भाषा में कवर किए हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी इस पेरोल कोर्स की और इनफैक्ट आपके जॉब लाइफ की या डे टू डे लाइफ की एक्सेल की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी, जहां बेसिक फंक्शंस और फॉर्मूलास से शुरू करके आपको पिवट टेबल तक की कंप्लीट डिटेल्स सिखाएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल, होमवर्क्स और वर्कशीट भी देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं लेबर लॉज और फाइनेंस से जुड़े हुए कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए, जय हिंद, जय भारत।